जनाब अब कौन सा एक ऐसा मॉडल है जो गुड या रोबस्ट फिट मॉडल होता है और उसको कैसे देखना ना वो अंडर फिट हो ना वो ओवर फिट हो तो उस मॉडल को देखने के लिए हम ये लेक्चर में चलते हैं जी रोबस्ट फिटनेस ऑफ मॉडल क्या होती है या मॉडल रोबस्टनेस क्या होती है इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के अंदर स्टार्ट हम करते हैं जनाबे वाला मैं अपनी तस्वीर को यहां से पहले गायब करता हूँ नाउ इट्स फाइन आपको आवाज आ रही है दैट्स गुड यहां पे हम सेट करते हैं अ गुड और रोबस्ट फिट अकर्स व्हेन अ मॉडल एक्यूरेटली कैप्चर्स एसेंशियल ट्रेंड्स ऑफ द ट्रेनिंग डेटा विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉइज और रैंडमनेस यानी कि मॉडल इतना ट्रेन हो कि वो जो नॉइज है डेटा के अंदर उसको ट्रेंड के तौर पे ना पकड़े ठीक है मतलब नॉइज को सेपरेट दे इसको बोलते हैं बेस्ट फिट मॉडल ठीक है और ये ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करे विदाउट बीइंग इन्फ्लूस बाय नॉइज एंड रैंडमनेस नेस दस परफॉर्मिंग वेल ऑन द न्यू डेटा जो वैलिडेशन का डेटा होता है उस पर भी अच्छा परफॉर्म करे ये आपकी लेफ्ट साइड पे साइड पे आपको नजर आ रहा है जनाब अंडर फिट मॉडल यानी कि सिंपलिस्टिक मॉडल है ठीक है और ये बहुत ही ज्यादा ओवर फिट मॉडल है यानी कि हर पॉइंट पे जा रहा है और ये है जनाब गुड और गुड फिट और रोबस्टनेस ऑफ द मॉडल या आप कह सकते हैं रोबस्ट फिट मॉडल ठीक है और इसको अगर गौर से देखा जाए तो आप देखें कि हम सारे के सारे ट्रेंड्स भी यहाँ पे पिक कर रहे हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड वे में हम चेक भी कर रहे हैं इसको बोलते हैं राइट फिट या गुड फिट ऑफ द मॉडल अब इसको और भी ज़्यादा डीपली जा स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फिटनेस फिटनेस ऑफ गुड गुडनेस ऑफ फ़िट की जो है एग्जाम्पल uh, देती हैं फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स दिस एक्चुअली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा दिस हैजुअली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डाटा एंड एक्सलेंट जर्नलाइजेशन टू द न्यू डेटा ट्रेनिंग में भी टेस्टिंग में भी बहुत कमाल ठीक है स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल राइट दोनों के जो गुण हैं इसमें आ जाएंगे कॉजेज इसके क्या हैं अप्रोप्रियट मॉडल कंप्लेक्सिटी एंड देन इफेक्टिव फीचर सिलेक्शन तो फीचर सिलेक्शन इस पर डिपेंड करती है एन एडुकेट रेगुलराइजेशन आई नो कि यह टर्म बार बार आ रही है मैंने पहले भी पढ़ाई है आई एम गोइंग टू टीच यू अगेन टूडे की रेगुलराइजेशन क्या होती है ठीक है तो बेसिकली आप कितने फीचर कौन सा फीचर सेलेक्ट करते हैं और मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं देन हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ हाई प्रडिक्टिव एक्यूरेसी ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड अनसिन डेटा रिलायबल एंड इंटरप्रेटेबल आउटकम्स भी हैं इसकी सोल्यूशंस पे अगर बात करें या प्रिवेंशन पे बात करें तो हम इसके सोल्यूशन या प्रिवेंशन यानी कि ओवर फिटिंग से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं किसी मॉडल की बेसिकली ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस इज नॉट अबाउट ओवर फिटिंग दिस इज अबाउट गुडनेस ऑफ फिट तो ये स्लाइड के अंदर कुरेक्शन है मैं बाद में कर लूँगा ओवर के बजाय गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम ये बात कर रहे हैं एट द एंड गुडनेस ऑफ फिट के लिए हमारे पास क्या होता है जनाब एक सोल्यूशन ये होता है क्रॉस वैलिडेशन रेगुलराइजेशन की टेक्निक को यूज करना मॉडल सिलेक्शन एंड ट्यूनिंग एडुकेट ट्रेनिंग डेटा साइज ठीक है सेवेंटी थर्टी एटी ट्वेंटी वगैरह 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 एंड देन अचीविंग अ गुड और रोबस्ट फिट इन्वॉल्व बैलेंसिंग मॉडल कम्पलेक्सिटी विद द अमाउंट ऑफ डेटा एंड अपलाइंग बेस्ट प्रैक्टिस इन मॉडल वैलुएशन सेलेक्टिंग एंड ट्यूनिंग यानी कि आपका मॉडल एक अच्छा मॉडल तब कहलाएगा जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करे और बहुत ज्यादा नॉइस को भी ना कैप्चर करे और सारे के सारे डेटा के पैटर्न्स भी उठा के लाए जब डेटा ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर मैं आपसे पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका सही जवाब दें ये होता है ट्रेनिंग डेटा यानी कि ट्रेनिंग में आपकी एक्यूरेसी हंड्रेड है अब अगर मैं दिसंबर टेस्ट या सेमेस्टर वाइज कोई क्विज रख लूँ वो होगा वैलिडेशन डेटा कि पढ़ाते 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 वीक के बाद या दो वीक के बाद आपसे एक टेस्ट लूँ वो होता है वैलिडेशन का डेटा और वो मैं विदाउट रिवाइजिंग एनीथिंग फ्रॉम प्रीवियसली मैं आपको अन नॉन क्वेश्चन दूँ और आप उस पर रिप्लाई करें मुझे और उसकी बेस पे आप आपकी एक्यूरेसी चेक को अगर वो एक्यूरेसी और ये एक्यूरेसी दोनों तकरीबन आसपास हैं पॉइंट्स का फर्क है देन इट्स फाइन अगर ये वाली एक्यूरेसी जो वैलिडेशन की एक्यूरेसी आपकी कम पड़ जाती है दैट मींस योर मॉडल इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल ऑन द अननोन डेटा जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आना है सो so ये जनाब आपके पास गुडनेस ऑफ फिट की डिफरेंट तरीकेकार होते हैं होपफुली आपको समझ आ गई होगी अब अगले लेक्चर पर चलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इंप्रूव करनी है मॉडल की गुडनेस तैयार है और हम पाइथन पे हम जंप इन करेंगे फिर और आपको मैं दिखाऊंगा और फिर हम सीखेंगे और बहुत कुछ करेंगे आज ठीक है चलें फिर नेक्स्ट लेक्चर में